चार और चार की संख्या मिलकर कब आठ से ज्यादा हो जाती है, यह है आज का क्वेश्चन। चार और चार की संख्या मिलकर कब आठ से ज्यादा हो जाती है। अगर आपने आंसर दे दिया भाई साहब, 2000 रुपये का इनाम है, और देख लो कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है, सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। 2000 रुपये का इनाम, 2000 का इनाम है, देख लो भाई साहब। अच्छा, चार और चार की संख्या मिलकर कब आठ से ज्यादा हो जाती है, पहले बताओ। चार और चार की संख्या मिलकर कब आठ से ज्यादा हो जाती है। चार चार आठ होते हैं ना, चार और चार तो आठ, किस स्थिति में ज्यादा होंगे तो चार बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे मतलब क्या? चार और चार आठ, वो तो आठ तो होते ही है, आठ से ज्यादा कब बनते हैं चार और चार मिलकर, ये क्वेश्चन है बेटा। देखो देखो, यहाँ से थोड़ा सा डंडा मिटा दो और ये डंडा सीधा कर दो तो क्यों, ग्यारह हो जाएंगे। अच्छा ग्यारह, चार और ग्यारह पंद्रह, चार ही रहने हैं बेटे, वो तो फिर एक बन जाएगी ना, एक और एक ग्यारह। देखो चार में से चार जाते हैं तो जीरो बचा, सही है, और अगर इस चार में एक चार और मिला दोगे तो 12 हो सकते हैं। इन दो चार की कहानी है भाई साहब, एक और क्यों मिलाएंगे हम भाई, चार और चार आठ और चार दिया 12, चार और चार लिखा हुआ है, बात को बोर्ड पे समझो ना आप, इधर से देख लो आके ना, देख रहे हैं आप, चार की संख्या मिलकर कब आठ से ज्यादा हो जाती है, सिर्फ दो चार की बात चल रही है भैया। तो ये वाले आठ भी मिला देंगे हम, 16 तो हो जाएंगे। आठ कहाँ से आए, ये वाले आठ क्यों मिलाओगे, ये तो खाली सिंबल के लिए है, पहचान के लिए। इससे ज्यादा इन्होंने ये लिख दिया कि कब आठ से ज्यादा हो जाती है, बात ये चल रही है, ये है अभी समस्या का इनकी समाधान करना है, इनसे तो हुआ ना है ना, हमसे क्यों नहीं हुआ भाई साहब, चार और चार आठ ही होते हैं। अरे देखो देखो, इन्हें राइट के निशान को बैठा दो, चार के जो इधर इधर के हैं ये, इन्हें बैठा दो और इस वाले को बैठा दो, दोनों मिला के 11 कर दो। तो बेटे हटाना थोड़ी है, फिर तो एक एक हो जाएगा ना, चार चार कहाँ रहेंगे। देखो भाई एक सूरत तो एक सूरत से जीरो हो रहा भाई, तो चार में चार गए तो जीरो बचा, चार में चार जीरो बचा, हाँ तो आपने तो आठ जीरो कर दिया। हाँ, हम कर रहे हैं आठ से ज्यादा की बात। देखो आठ से ज्यादा तो भाई साहब चार गुणा चार अगर करोगे तो 16 तो हो जाएंगे। अच्छा, और आठ से ज्यादा होगा भाई साहब। अच्छा, गुणा भी नहीं करनी है भैया, चार की गुणा नहीं करनी है, सबको पता है चार चार चौक 16 तो सबको पता है ना, चार और चार मिल गए गुणा भी नहीं करनी है, घटा भी ना करनी है, जोड़ जोड़ है बस, तो आठ होना है, चार और चार आठ ही होते हैं, जोड़ भी नहीं करना है, जोड़ तो मैं बता रहा हूँ आपको, चार चार आठ होते हैं, ये कब आठ से ज्यादा बनेंगे किस स्थिति में, तो ना चिन्ह गुणा का आएगा, ना माइनस का आएगा, ना भाग का आएगा, ना काय का आएगा। इतना हिंट दे दिया मैंने आपको भाई साहब, हमारे तो यही है भाई, चार और चार आठ ही हो रहा है, या फिर आठ में से चार में से चार घटा दो, जीरो बचा। यार सही कह रहे हो, जैसे मैं चोर हूँ भैया, देखे जाऊंगा आपको, बताओ सही ले लूंगा पैसे। तो भाई साहब देखो, अब हम बताए तो मैं ईमानदारी से इसकी बात बताओ, एक चार तो उठाओ वो सवाला भाई साहब, और एक चार उठाओ ये सवाला, ये और जो लिखा हुआ है ना, ये और इसमें से खत्म करके ये सवाला चार उठा के यहाँ लिख दो तो 44 हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब, आप भी गलत है आपका आंसर। क्यों भाई साहब, ये तो कोई भी कर देगा, देखो सही आंसर क्या है इसका। चार और चार की संख्या मिलकर आठ से ज्यादा जब होगी, जब कोई गलती होगी, गलती से हो जाती है, आप समझ नहीं पाए बात को, चलो कोई बात नहीं। अरे यार गलती से चार आपकी सबसे जीत ले रहा है यार, अरे तो 44 तो हो जाएंगे, जो दोनों मिलाओ 44 हो जाएंगे। बहुत है गलती से यार, हमने दो बार बता दिया इनका आंसर, मगर इन्होंने माना नहीं उस्ताद भाई साहब, बहुत है गलती से।